अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट शाकिब महमूद चौहान आपकी दोबारा खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ हमने आपको मंकी पॉक्स के हवाले से खबर दी थी कि मंकी पॉक्स क्या है। ये एक अमेरिकन डिज़ीज़ है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि चाइना से कोरोना निकला और वो फैलता फैलता पूरी दुनिया में फैल गया था और पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया था। बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला तरफ से हमारी उनसे जान छुटी है। तो ये अब एक नया मर्ज आ गया है जो अमेरिका में है और उसका नाम है मंकी पॉक्स, और अमेरिका से ये पूरी दुनिया में मुंतकिल होना शुरू हो गया है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त 92 केसेस आ चुके हैं मंकी पॉक्स के बारे में। मुल्क भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। और इस मंकी पॉक्स के अंदर शुरू की अलामत क्या होती हैं, हमने पहले बताई थी कि शुरू के दिनों में नज़ला, खांसी, बुखार, गला ख़राब, और उसके बाद 3 से 4 दिनों के बाद जिस्म पर सुर्ख रंग के दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद वो दाने पीप की में मुंतकिल हो जाते हैं और उन दानों में पीप पड़ जाती है, और जिसकी वजह से अगर उसका बर्त इलाज ना करवाया जाए तो उससे मौत भी वाकया हो जाती है। क्योंकि मंकी पॉक्स के बारे में मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अफ्रीकी चूहे और बंदर मंकी पॉक्स के इंसानों में मुंतकली का सबब है। अलामात 1 से 3 रोज में जाहिर हो जाती हैं। आप किसी भी किस्म का कोई भी गलती ना कीजिएगा। आपको थोड़ा सा नज़ला, बुखार, खांसी या कुछ भी हो, आप फौरन पहले डॉक्टर से रजू करें ताकि उसका सदेबाप फौरन किया जा सके। अगर आपने इस बीमारी को ढील दे दी और इसको ऐसे रहने दिया तो ये अपना असर 2 से 3 दिन में दिखाती है। कौमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स के बारे में हाई अलर्ट वफाकी सूबाई इदारों को जारी कर किया है। कौमी और सेहत के मुख्तलिफ ममालिक में मंकी पॉक्स के 92 मुसद्दका केस सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स रोज व रोज बढ़ रहा है और ये ऐसा वायरस लाहक होता है कि मर्ज के अंदर फौरन 2 से 3 में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। अफ्रीकी चूहे और बंदर मंकी पॉक्स से इंसानों में मुंतकिल का काम जारी है, जिससे ये बाज औकात जानवर और मंकी बंदर और इसके चूहों की वजह से भी ये बीमारी फैल रही है। अलर्ट किया गया है कि मंकी पॉक्स की अलामत उसे 3 रोज में जाहिर होती हैं और इससे मरीज के चेहरे जिल्द पर सुर्ख निशानात जाहिर होते हैं। बुखार, सरदर्द, पट्ठों का दर्द और इसके अलावा सुर्ख दाने जिसमें बन जाते हैं। मंकी पॉक्स की अहम हदायत अलामत हैं। मंकी पॉक्स की बीमारी की मुद्दत 2 से 4 हफ्ते है। ये मुतासर जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है। आपसे गुजारिश है कि आप चूहे, बंदरों और इसके अलावा जो भी कोई घर में पेट्स वगैरह हैं उससे भी आप महफूज रहें, उससे भी आप अपने को बचा के रखें और इस सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें ताकि आपके ऊपर किसी किस्म का भी जरासीम लाहक होने से पहले आप खुद अपने को सेव कर सकें। लिहाजा आपको मैं ये खबर बड़े वसूख से दे रहा हूँ कि मंकी पॉक्स बड़ी शिद्दत से पाकिस्तान में फैल रहा है और ये हाई अलर्ट भी हो गया है। तो लिहाजा वो ना हो कि जिस तरह हमने कोरोना को इजी लिया था, उसके बाद क्या हाल हुआ वो सब ने देखा। बेहतर है कि इसको आने से पहले ही इसका कुछ सदेबाब किया जाए। हुकूमत भी कर रही है और आप खुद आज खुद इसके ऊपर नोटिस लें और अपने बच्चों और घर वालों को महफूज रखने के लिए फौरी अलर्ट जारी करें कि इसके निपटने के लिए कि हमने क्या इकदाम करने हैं। शाकिर महमूद चौहान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमें कोई नई वीडियो मिलेगी हम आप पर बारे में दोबारा वो वीडियो आपके पैगाम पहुँचाएंगे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपने इर्द गिर्द ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।